फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमने ये थ्योरम पढ़नी है। ये आज सेट एस इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी सी एल सी पॉइंट ऑफ एस इन एस। ये हमारे पास थ्योरम है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए पहले सबसे पहले आता है इफ पार्ट। इफ पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, इफ एवरी सी एल सी पॉइंट, सी एल सी ऑफ पॉइंट ऑफ एस, इफ एवरी सी एल सी ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस इज इन एस, देन रिजल्ट होल्ड फॉर टू पॉइंट। आल्सो देन एस इज कॉन्वेक्स। फिर इसमें हमने क्या क्या है, हमने इसमें मान लिया कि कोई भी दो पॉइंटों के लिए जो कि उसे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे हुए हैं वो एस में है। तो चूंकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख रहे हैं तो उनको हम इससे हम शो हो जाता है कि जो एस है वो कॉन्वेक्स होगा। अब हम ये एस कॉन्वेक्स हो गया तो अब ओनली इफ पार्ट शो करते हैं, ओनली इफ पार्ट। अब फिर ओनली इफ पार्ट शो करने के लिए हमें शो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मानना पड़ेगा कि एस इज कॉन्वेक्स। लेट एस इज कॉन्वेक्स। अब हम इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज लेते हैं। अब फिर मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ले लिया कि एस इज कॉन्वेक्स है, तो एस कॉन्वेक्स है तो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू एस। ये हमने कोई कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है, जहाँ अल्फा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन है। अब चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन है और अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू एस है, तो हमारे पास ये होगा कि हमने सी एल सी कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स हमेशा सी एल सी कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाता है। ये लिख दिया। अब हमें मानना है कि ये किसी एम के लिए एम या एम के लिए ये सत्य है, ये हमने ट्रू मान लिया। लेट एक्स बराबर बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 बीटा एम प्लस वन, सॉरी बीटा एम एक्स एम। ये हमने मान लिया कि इस तरह से लिखा जा सकता है, जहाँ पे हमारे पास बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस डॉट 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 बीटा एम इक्वल टू वन है। अब फिर से हमने ये मान लिया कि हम इस तरह से हमको लिख सकते हैं। अब हमें शो करना है कि हम बीटा एम प्लस वन के लिए लिखे तो ये कॉन्वेक्स होगा। अब हम शो करने के लिए सिंपली एक्स बराबर हम क्या कर सकते हैं, बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस बीटा एम एक्स एम प्लस बीटा एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन। ये हमने अगला पॉइंट ले लिया, इसमें अगला पॉइंट ऐड कर दिया। अब फिर से अगर हम बीटा एम प्लस वन को हम जीरो लें, इफ बीटा एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो हमने पास जो कंडीशन मानी है हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। अब फिर से हम यहाँ पे मान लिए, ये तो एक केस हो गया। अब मान लेते हैं इफ बीटा एम प्लस वन इक्वल टू वन। अब हम अगर इसको इक्वल टू वन मान लिया, हम इसको वन मान लिया, तो हम मान सकते हैं हम इसमें बीटा वन इक्वल टू बीटा टू इक्वल टू डॉट 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 बीटा एम इक्वल टू जीरो, सभी को हम जीरो मान लेते हैं। तो इसको हम एक्स एक्स को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया हमने, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड केस आती है, थर्ड केस आता है वो आता है लेट बी जीरो लेस देन बीटा एम प्लस वन इज लेस देन वन। अब फिर हमने मान लिया कि ये जो जीरो है वो बीटा एम प्लस वन है, या जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, इनके इक्वल में नहीं है। अब हमने ये मान लिया तो इसके बाद हम करते हैं इसको, ये मान लिया फिर तो हमारे पास ये एक्स बराबर क्या है, अपने पास बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू
एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस बीटा एम एक्स एम प्लस वन, सॉरी बीटा एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन। ये अब फ्रेंड्स चूंकि ये जीरो के बराबर नहीं है, एक के बराबर नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं वन माइनस बीटा एम प्लस वन इक्वल नॉट जीरो, क्योंकि ये भी जीरो नहीं होगा हमारे पास। अब फ्रेंड्स एक्स को हमने वन माइनस बीटा एम प्लस वन से मल्टीप्लाई किया और इसी से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो बीटा वन अपॉन वन माइनस बीटा एम प्लस वन एक्स वन प्लस, इस तरह चलता हुआ ये आ जाएगा अपने पास बीटा एम अपॉन वन प्लस वन माइनस बीटा एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन प्लस बीटा एम प्लस वन एक्स एम प्लस वन। ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, ये एक्स एम प्लस वन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बीटा, इसको लिख सकते हैं हम वन माइनस बीटा एम प्लस वन एल्फा आई एक्स आई, जहाँ और प्लस बीटा एम प्लस वन एक्स आई, जहाँ जहाँ पे एल्फा आई बराबर क्या है हमारे पास बीटा आई अपॉन वन माइनस बीटा एम प्लस वन। अब फिर से हम इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं हम इसको वन माइनस बीटा एम प्लस वन, इसको हम अलग से दे दिया साइन नाम हमने वाई, प्लस बीटा एम प्लस वन एक्स वन। अब फिर से हम देख सकते हैं ये जो एक्स है हमने वन माइनस बीटा एम प्लस वन, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है, और ये बीटा एम प्लस वन ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, हमने एक्स को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। सो एक्स कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज सी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, हमने इसे सॉरी वाई एंड एक्स वन एक्स एम प्लस वन, हमने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हमने इसको लिख दिया है। सो हमने टू के लिए सॉल्व किया था, एम के लिए माना, एम प्लस वन के लिए प्रूव कर दिया, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या कह सकते हैं, सिंस एस इज कॉन्वेक्स, हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि एस हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव हो गया है कि एस कॉन्वेक्स सेट है।